तो वेलकम टू एमकेपी गुड टिप्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा योनो एसबीआई एप्स में भीम यूपीआई अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उस भीम यूपीआई अकाउंट से मनी ट्रांसफर कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं, अगर आप योनो एसबीआई यूज़ करते हैं, कोई भी आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है, इसी में है अपडेट किया हुआ है, आप इससे ही बना सकते हैं भीम यूपीआई आईडी बना सकते हैं और दूसरों को भी आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं और बिजली बिल रिचार्ज और ये सब भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुँच जाएगा। तो चलिए हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। योनो SBI ऐप्स को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों अगर आप एम पिन से लॉगिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और यूज़र आईडी और पासवर्ड से भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते यूज़र नेम और पासवर्ड तो मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो फिलहाल हम MPIN से ही लॉगिन करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो आप होम पेज पे आ चुकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, योनो पे पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप योनो पे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है भीम UPI, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट UPI प्रोफाइल, आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही बैंक में लिंक है तो चलिए इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, एक नंबर पे। अगर आपका दो नंबर पे है तो आप वहाँ पे दो नंबर डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे एक पर क्लिक कर देते हैं। ये क्लिक करने के बाद अगर आपका डाला हुआ रहेगा तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर आपका नहीं डाला हुआ रहेगा लिंक ये नंबर जो आपने किए हैं तो आपका नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए वेरीफाई होता है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सर्चिंग हो रहा है, सर्चिंग होके हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको वही नंबर देना है जो आपके बैंक में लिंक हो, तभी आपका यहाँ पे वेरीफाई हो पाएगा। तो दोस्तों चलिए आप अपना कोई भी अगर आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे, मेरा यही है। तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों आप अगर आप सजेस्टेड UPI ID आपको जो भी रखना है आप यहां पे रख सकते हैं। तो चलिए हम दोस्तों यहां पे ये वाला रख देते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं ऊपर वाला हम रख देते हैं। तो यहां पे ये आप चूज कर सकते हैं आप कौन सा भी रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट योर क्वेश्चन, अगर आप किसी कारणवश ये भूल जाते हैं तो आपको जो है क्वेश्चन के अनुसार जो है आप यहां पे दे सकते हैं चुके हैं। उसके बाद यहां पे हम चलिए लिख देते हैं, टाइप कर देते हैं। ये टाइप करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहां पे देख सकते हैं सेलेक्ट प्राइमरी AC UPI ID। तो इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बैंक है तो उसमें आपको लिंक हो जाएगा। तो चलिए यहां पे देखिए लिंक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। देखिए कंग्रेचुलेशन सक्सेसफुल क्रिएट योर UPI ID। तो चलिए ओके पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों क्लिक हो गया है, तो मेरा जो है बन गया है UPI ID भीम UPI। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए स्कैन QR कोड है, उसके बाद बैंक अकाउंट है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों वो भी हम बता देते हैं किस तरह से किया जाता है मनी ट्रांसफ़र। तो दोस्तों बैंक अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे न्यू बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे देखिए इंटर IFSC कोड है, उसके बाद अकाउंट नंबर है, उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर आप दे सकते हैं, उसके बाद पे नाम में आप जिसको पैसा भेज रहे हो उसका भी नाम आप दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पे आपको IFSC कोड डालना है, उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद कन्फर्म अकाउंट नंबर डालना है। तो ये चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो दोस्तों सारा डिटेल देने के बाद आप एक बार
चेक कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अमाउंट आप कितना भेज रहे हैं वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर सेव दिस पेज, अगर आपको भविष्य में कभी भी इस अकाउंट पे अगर आपको पैसा भेजना है तो आप यहाँ पे सेव अकाउंट कर सकते हैं, आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। अगर नहीं भेजना है तो इस पर आप टिक नहीं करेंगे। तो फिलहाल चलिए हम यहाँ पर टिक कर देते हैं, भविष्य में हमको ज़रूरत पड़ेगा इस अकाउंट पर पैसा पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो हम 50 रुपये अभी भेज रहे हैं। तो चलिए आप जितना भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। उसके बाद रीमार्क ये ऑप्शनल है। तो ये आप देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस नीचे खुलेगा। तो दोस्तों आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। व्यू बैलेंस पे यहाँ पे क्लिक करके आपका बैलेंस बता दिया जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट पर आप क्लिक करने के बाद एक बार फिर से आप कंफर्म कर लीजिए, इतना पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही दोस्तों आप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, जो कि आपको कहा जाएगा यूपीआई पिन डालने के लिए जो आपने बनाया है। तो दोस्तों पिन डालने के बाद आप जो है सही वाले निशान पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो है कंग्रेचुलेशन, ये देखिए सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो। दोस्तों अगर आप UPI पिन जो है यानी कि 6 अंक का होता है वो आप चाहे पेटीएम चाहे फोन पे भी कभी भी किसी भी समय में अगर आप बनाए हैं तो आप जो है इसमें वही पिन डाल के जो है दूसरों को मनी भेज सकते हैं। अगर नहीं बनाए हैं वो ऑप्शन खुलेगा, आप इसमें बना सकते हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो आप बना सकते हैं। अगर आपका जो है बन चुका है तो वही पिन यहाँ पर आपको काम करेगा। UPI पिन जो होता है 6 अंक का, वही आप काम करेंगे तो आपका जो है मनी ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।